दोस्तों, मनुष्य ने हमेशा आकाश में देखकर अपने मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न की है। दिन में सूर्य का निकलना और रात्रि में चंद्रमा और अनेकों तारे मनुष्य की सोच पर गहरा असर डालते रहे हैं। दोस्तों, साल 1946 से पहले लोगों ने कभी भी अंतरिक्ष से पृथ्वी को नहीं देखा था, लेकिन आज से लगभग 78 साल पहले अंतरिक्ष की विज्ञान काफ़ी तेजी से अंतरिक्ष को लेकर रिसर्च करने लगा। न्यू मैक्सिको में अमेरिकी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने 24 अक्टूबर 1946 में V2 नाम की एक मिसाइल लॉन्च की। V2 मिसाइल के साथ एक मोशन पिक्चर्स कैमरा भी था, जिससे पृथ्वी से 65 मील की ऊंचाई से पृथ्वी की पहली तस्वीर खींची थी। V2 मिसाइल पृथ्वी कक्ष से बाहर अंतरिक्ष में पहले लेयर तक सफर करने के बाद वापस पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग किया। दोस्तों, इस दौरान अंतरिक्ष से पृथ्वी की ली गई सभी तस्वीरें सुरक्षित मिली, क्योंकि सभी तस्वीरें एक विशेष मटेरियल से बने स्टील की एक कैसेट में स्टोर थी। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका की एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि दोस्तों, इसके पहले साल 1935 में भी एक्सप्लोरर गुब्बारे के द्वारा लगभग 13.7 मील की ऊंचाई से गोलाकार क्षितिज के रूप में पृथ्वी का अवलोकन किया गया था, जिसके 11 साल बाद 1946 में V2 मिसाइल से पृथ्वी की पहली तस्वीर ठीक ठाक तरीके से ली गई। लिफ्ट ऑफ ऑफ द डेल्टा रॉकेट कैरिंग ग्लास्ट, अ गामा रे टेलीस्कोप सर्चिंग फॉर अनसीन फिजिक्स इन द स्टार्स ऑफ द गैलेक्सीज। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने वायुमंडल के अध्ययन के लिए मिसाइलों को वैज्ञानिक उपकरणों से तैयार किया और उससे अंतरिक्ष में भेजकर साल 1946 से 1950 के बीच पृथ्वी से 100 मील की ऊंचाई से हजारों तस्वीरें ली गई। दोस्तों, आज से 78 साल बाद विज्ञान इतना आगे आ गया है कि वह पृथ्वी की तस्वीरें ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अनेकों ग्रह, उपग्रह और अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने की भी तलाश करने लगा है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि हर ग्रह की उसकी एक जीवन सीमा होती है। पृथ्वी के विनाश होने से पहले किसी अन्य ग्रह पर जीवन बसा लेना एक उचित व्यवस्था होगी।